तो फाइनली यहाँ पे जो है जून 23 जो है स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में यहाँ पे कई सारे डिवाइस के यूजर्स को जो जून अपडेट की फीचर्स है वो यहाँ पे रोल आउट होने स्टार्ट हुए हैं और कई सारे यूजर्स जो है अभी यहाँ पे बचे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जून अपडेट एंड फीचर के बारे में, तो वीडियो को आप कम्प्लीट जरूर से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप रियलमी का कोई भी डिवाइस यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जून अपडेट यहाँ पे जो है जून अपडेट एंड फीचर्स के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ। देखिए कई सारी डिवाइस में जो ये अपडेट हो सकता है मिलेगा तो यहाँ पे आपको ये फीचर्स मिल सकते हैं। वेल अभी फिलहाल से मैं बात करने वाला हूँ जिनमें कुछ फीचर्स को रोल आउट किया गया है। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपको फोटोज में जो है लॉन्ग प्रेस जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे जो एक नया फीचर जो है ऐड किया गया है, यहाँ पे स्क्रॉलिंग फोटो को लेकर किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग लाइब्रेरी जो फोटोज है उसको आप यहाँ पे स्क्रॉल करके जो है चेकआउट कर सकते हैं एंड यहाँ से पिंच कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी रखना हो आराम से इजिली जो है पिंच कर सकते हैं। ठीक है, और पिंच करने के बाद ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे लुक होने वाला है और कहीं ना कहीं अपनी फोटो भी भाई इसमें लगा सकते हैं। ऑटो किया है तो ऑटो में आपकी फोटो खुद की जो है दिखाई देने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में जो ऐड किया गया ना तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ऑटो करते तो ऑटो में आपको कई सारी फोटोज भी जो है देखने को मिलने वाली है। तो काफी अच्छा यहाँ पे ये अपडेट के थ्रू फीचर प्रोवाइड करवाया गया है जो कि मे भी मुझे लगता है काफी बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने वाला है जिनको भी ये फीचर मिलने वाला है देखने को। एंड साथ ही साथ जो नेक्स्ट फीचर है यहाँ पे क्लॉक को लेकर मिलने वाला है। जैसे आप क्लॉक पे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्यारी सी क्यूट सी जो है क्लॉक आपको देखने को मिल जाती है जिसको आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्वैप अप करके जो है यहाँ पे डिस्प्ले पे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी काफी अच्छा फीचर है जो कि आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे बात करें नेक्स्ट फीचर के बारे में तो यहाँ पे आपको जो है जैसे इसको पिंच करते हैं उसके बाद आप विकेट में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लॉक में आने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो भी क्लॉक सेट करनी है वो आप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे वर्ल्ड क्लॉक लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप इजीली जो इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको सेम टाइम में कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं देखने को। ठीक है, इसमें आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है देखने को मिलने वाली है अलग अलग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रीज के भी आपको मिल जाते हैं, साथ ही साथ अगर आप अपनी कंट्री का भी ऐड करना चाहें तो वो भी मिल सकता है। और साथ ही साथ इसमें जो नया फीचर ऐड किया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड जो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुई है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पिंक कलर का जो है ड्रॉप डाउन हो रहा है बार बार। ठीक है, मतलब चल रहा है, तो इससे आपको एक ये रहेगा कि हाँ भाई एक एक सेकंड आपका जो यहाँ पे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस जो है प्रोवाइड करवाने वाला है। एंड दोस्तों बात करें नेक्स्ट फीचर के बारे में तो आपको पता है अगर आप जब भी अपने डिवाइस को यहाँ पे लॉक नहीं करते हैं और आप अपने डिवाइस को अपने पॉकेट में रख लेते हैं तो भाई सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि भाई बाय मिस्टेकली ऑटोमेटिक जो है आपका टच वर्क करने लगता है। ऐसे में हो सकता है कि किसी के पास मिस अंडरस्टैंडिंग से कॉलिंग चली जाए। तो जब भी आपका डिवाइस जो है पॉकेट में मिस टच हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में एक्सीडेंटली आपसे कोई भी यहाँ पे हो सकता है कि आपके डिवाइस से जो है कॉल कनेक्ट हो जाए या फिर ऑटोमेटिक जो है डिस्प्ले पे कोई भी वर्क होता रहे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको यहाँ पे एक नया फीचर जो है इसमें ऐड किया गया है जिसको मैं बताता हूँ। जैसे आप इसमें पिंच डाउन करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, उसके बाद मोड सेटिंग में आ जाना है। जैसे आप मोड सेटिंग में आएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है एक ऑप्शन जो कि मिलता है आपको यहाँ पे पॉकेट मिस टच प्रिवेंशन। ठीक है, ये जो फीचर मिलता है ये आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा जब भी आप अपने डिवाइस को अपने पॉकेट में रखते हैं। बाय द वे आपका डिवाइस लॉक नहीं होगा तो उस समय ये फीचर काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, ऑटोमेटिक ये फीचर जो है आपके डिवाइस को लॉक्ड कर देगा और वहां पे कोई भी जो प्रॉब्लम होगी मतलब जो यहां पे कोई भी जो है ऑटोमेटिक जो वर्किंग होगी वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये फीचर काफी अच्छा है जो कि आपको यहां पे इन फ्यूचर में जो है देखने को मिल सकता है अपने इस डिवाइस में। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पे नेक्स्ट फीचर के बारे में तो आपको पता है कि इस समय जो है कई सारे अपडेट को यहाँ पे रोल आउट तो जरूर से किया जा रहा है और कुछ फीचर्स भी मिल रहे हैं। अब रियलमी लैब में यहाँ पे आपको पता है हार्ट रेट मेजरमेंट का भी ये फीचर जो ऐड किया गया है जिसके थ्रू जो है यहाँ पे आप हार्ट रेट की स्पीड को जो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इसी डिवाइस के थ्रू देख सकते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये इसका पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारे डिवाइस को ये फीचर मिला है, कई सारे डिवाइस को नहीं मिला है, लेकिन अगर आप डिवाइस यूज करते हैं तो जून के मंथ में कई सारे फीचर्स को ऑलमोस्ट रोल आउट किए गए हैं। कुछ फीचर्स जो है प्रीवियस टाइम से भी वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है अपडेट मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे न्यू फीचर्स मिल रहे हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे अगर आपको जून का अपडेट मिलता है तो उसमें आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो कि जून 23 का है वो होने वाला है। ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ डिवाइस में लेटेस्ट मिल जाए, हो सकता है कि कुछ डिवाइस में यहाँ पे अप्रैल एंड मई का जो है यहाँ पे ऐड करके दिया जाए। तो यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू मैंने यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवाने की बिल्कुल कोशिश करी है। तो वेल कमेंट में जरूर से बताइएगा आपको लेटेस्ट अपडेट मिला या फिर नहीं मिला है देखने को। तो दोस्तों होपली आपको
वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।